हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 14 है। आप ये केम ऐप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम्स में 4 मार्क्स में 100% ये क्वेश्चन आता है। 4 मार्क्स में आएगा जो भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये बेबी आई है, ठीक है। इसमें आपका क्या है कि आपको केम ऐप समझने के लिए सबसे पहले मीन टर्म्स और मैक्स टर्म समझना होगा। मीन टर्म और मैक्स टर्म समझने के बाद आपको एसओपी और पीओएस दोनों, मतलब 4 टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। तो ये पिछले वाले प्रीवियस वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, इसको आपको लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 में मिलेगा। जो भी स्टूडेंट के मैप को समझिएगा वो पहले 2 लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही के मैप को समझिएगा और इससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। के मैप में आपको जितना भी समझाएंगे वो आपको सिर्फ समझना है, इससे थ्योरी आता नहीं आपके एग्जाम्स में। जो भी थ्योरी बताया जाएगा वो आपके नॉलेज के लिए बताया जाएगा। इसमें जो भी आता है क्वेश्चन वो मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है, किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी आपको जितना बताएंगे उतना ही समझना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अभी तो माइंड पे ज्यादा लोड आपको नहीं देना है, कोरोना का एक अलग लोड है और ये केम ऐप भी लोड दीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए ज्यादा लोड नहीं दीजिएगा माइंड पे आप, ठीक है। आप सिर्फ समझिएगा जो समझाया जा रहा है, उसके बाद जब आप सारा केम ऐप हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल कंप्लीट केम ऐप समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका बहुत सारा रूल बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, आप कभी भी इसको गलत नहीं कर सकते हो। बहुत ही इजी है और बहुत आसान है और 4 मार्क्स में आता भी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो के मैप, मैप मतलब समझते हैं, मैप मीन्स क्या होता है, ग्राफ, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको अगर ग्राफ के द्वारा वो बता दे तो आप इजिली वहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये जो होता है के मैप वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। के मैप का फुल फॉर्म होता है कर्नफ मैप, ये आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि के मैप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो के मैप का फुल फॉर्म क्या होता है, कर्नफ मैप, ठीक है। ये ग्राफिकल डिस्प्ले होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है फंडामेंटल प्रोडक्ट का, आपको ट्रूथ टेबल बताए थे। तो हम लोग के मैप को रिप्रेजेंट करेंगे एक ट्रूथ टेबल के अंदर में, इसको दिखाएंगे, लेकिन वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे जो भी होगा पॉइंट। तो के मैप क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, के मैप कुछ भी नहीं होता, इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगल के फॉर्म में बनेगा, इस तरह से हम लोग जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और रेक्टेंगल में, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और आपका वर्टिकल भी हो सकता है, आप दोनों में से किसी भी तरह से इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 एग्जांपल्स देखे, क्या देखे, पहला डेफिनेशन हम लोग के मैप का ये देखे कि के मैप जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फंडामेंटल प्रोडक्ट्स का और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं किसके अंदर, ट्रूथ टेबल के अंदर, ठीक है। के मैप कुछ भी नहीं होता है, वो हमेशा जो भी नंबर आपका दिया हुआ है, ठीक है, जो भी नंबर दिया हुआ है वो स्क्वायर एक बनेगा, इस तरह से के मैप हम लोग बनाते हैं। देखो समझिएगा, आगे आपको हम लोग टोटल सॉल्व करने वाले हैं इस तरह से। अगर आप इस दोनों स्क्वायर्स को फिल किए 1 से तो इसका जो ग्राफिंग बनेगा वो रेक्टेंगल शेप में बनेगा। तो देखो, तो ये जो रेक्टेंगल बना है ये अभी तो हॉरिजॉन्टल है, क्या इस तरह से बना भी सकते हैं इसको, तो ये क्या बनेगा, वर्टिकल। तो हम लोग स्क्वायर को फिल करते हैं और ये जितना भी स्क्वायर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा या तो मीन टर्म्स को रेफर करेगा या फिर मैक्स टर्म को रेफर करेगा। समझिएगा, मीन टर्म्स किसको कहते हैं, जिसमें मल्टीप्लाई होता है, इस तरह से ये हुआ मीन टर्म्स। मैक्स टर्म किसको कहते हैं, जिसमें एडिशन होता है, क्या होता है, एडिशन होता है ये। तो ये आपका हुआ मीन टर्म और ये क्या हुआ, मैक्स टर्म, क्लियर है पॉइंट। तो हम लोग इसमें लिखेंगे के मैप में, के मैप को समझिएगा अच्छे से, क्या लिखेंगे, के मैप क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है या फिर आप लिख सकते हो ग्राफिकल डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जांपल, इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, के मैप इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ द फंडामेंटल प्रोडक्ट्स इन अ ट्रूथ टेबल। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। सिंपल लिखा हुआ है के मैप फंडामेंटल प्रोडक्ट्स का क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और ये रिप्रेजेंटेशन किसके अंदर होता है,
ट्रुथ टेबल के अंदर। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप एक और इसको डिफाइन कर सकते हो, के मैप इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल मेड अप ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्क्वायर्स ईच स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग अ मीन टर्म और मैक्स टर्म। जितना भी स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करेगा मीन टर्म्स को और मैक्स टर्म को। फॉर एग्जाम्पल सिंपल लैंग्वेज लिखा हुआ है, देखो जब भी आप के मैप बनाओगे इस तरह से हम लोग बनाएंगे, आगे सब देखना है हम लोग को, ठीक है। तो मान लो इसमें 4 स्क्वायर्स बनाए हम लोग, इसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर को आप 1 से फिल किए, तो ये जितना भी होगा इसको हम लोग किस में बनाएंगे, रेक्टेंगल शेप में बनाएंगे, क्लियर। और ये जो रेक्टेंगल शेप होगा वो इसका जो भी स्क्वायर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 2 टर्म्स को, कौन कौन सा टर्म्स को, मेन टर्म्स को और मैक्स टर्म को, क्लियर है। सिंपल लिखा हुआ है के मैप ग्राफिकल डिस्प्ले होता है, ठीक है। फंडामेंटल प्रोडक्ट्स का क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक बार देख लोगे अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो, के मैप इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ द फंडामेंटल प्रोडक्ट्स, क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स इन अ ट्रूथ टेबल, किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रूथ टेबल में, क्लियर है। के मैप इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल मेड अप ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ईच स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग अ मेन टर्म और मैक्स टर्म। प्रत्येक स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा मेन टर्म्स को और मैक्स टर्म को, क्लियर है। के मैप में आपको सिंपल याद रखना है, एक लाइन ऊपर वाले लाइन को आप याद रखोगे इस पॉइंट्स को, ठीक है। आप यहां तक लिखोगे अगर आपका थ्योरी आता है तो, नीचे वाले नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन नॉलेज के लिए आपको रखना जरूरी है माइंड में, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि के मैप का जो स्क्वायर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों को रिप्रेजेंट करता है, मीन टर्म्स को और मैक्स टर्म्स को, क्लियर है, दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके जो स्क्वायर जो होगा उसके सर्टेन नंबर को हम लोग किससे बनाएंगे, रेक्टेंगल शेप से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, रेक्टेंगल शेप से। देखो ये सर्टेन नंबर है, इसको किससे डिजाइनिंग किए हैं, रेक्टेंगल शेप से। ये रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये के मैप का थ्योरी हुआ। अब आप समझोगे कि के मैप को हम लोग कितने तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको पढ़ाए थे एक एसओपी और पीओएस, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसओपी, दो तरह का रिडक्शन देखेंगे। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके एक्सप्रेशंस में वेरिएबल दिया हुआ रहेगा वो लार्ज एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। के मैप का काम क्या है कि उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, मतलब छोटा कर देता है, सॉल्व करके छोटा कर देता है, ये काम है। मीन्स के मैप का काम है वेरिएबल को रिड्यूस करना, क्लियर है, ये काम है। तो रिड्यूस मतलब रिडक्शन, हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को रिड्यूस करेंगे। तो दो तरह से रिड्यूस करेंगे, एक हम लोग एसओपी मेथड का यूज करेंगे और एक पीओएस का यूज करेंगे, जो दोनों आपका बताया हुआ है। ये के मैप का मेन थ्योरी, इसको आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, हो गया। अब आप देखोगे इसका, इसमें आप देखोगे हम लोग देखेंगे एसओपी रिडक्शन, सम ऑफ प्रोडक्ट, एक टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसओपी रिडक्शन यूजिंग के मैप। कौन सा मैप का हम लोग यूज करेंगे, के मैप का यूज करेंगे,
ठीक है, इससे आपका थ्योरी नहीं आएगा आपके एग्जाम्स में, जो भी क्वेश्चन आएगा वो बनाने वाला क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका थ्योरी भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप समझोगे एसओपी रिडक्शन में क्या होता है कि इसका जो भी स्क्वायर होगा के मैप का, प्रत्येक स्क्वायर ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा मीन टर्म्स को। कौन सा टर्म्स को? मीन टर्म्स को, क्योंकि आपको मीन टर्म्स में पढ़ाए थे। मीन टर्म्स में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई होता है मीन टर्म्स में। तो मीन टर्म्स में पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद सम करते हैं। तो जहां प्रोडक्ट लिखा हो वहां पे मीन टर्म समझ लो, क्योंकि मीन टर्म्स और प्रोडक्ट सेम होता है। तो प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे? सम करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका जो भी रिडक्शन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मीन टर्म्स को। समझ में आ रहा है? मीन टर्म्स को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका जो भी आपका होगा स्क्वायर, जो भी बनेगा इस तरह से, आप जो भी स्क्वायर बनाओगे उस स्क्वायर को हम लोग फिल करेंगे वन से। कितने से फिल करेंगे? वन से फिल करेंगे। वन से क्यों? क्योंकि मीन टर्म्स का जो भी आउटपुट आता है वो ऑलवेज वन आता है आउटपुट, ठीक है। इसका आउटपुट आप जीरो नहीं लिख सकते हो, इसीलिए हम लोग इस स्क्वायर को वन से फिल करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पहला पॉइंट समझिएगा, एसओपी रिडक्शन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मेन टर्म्स को, ठीक है। हम के मैप के अंदर जो भी स्क्वायर होगा उसको हम लोग फिल करेंगे कितने से? वन से फिल करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये हम लोग स्क्वायर बनाएंगे कितना, जरूरी नहीं कि फोर ही बने, ठीक है। ये जितना मन है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी बना सकते हो, आपके ऊपर स्क्वायर डिपेंड करता है। लेकिन आप ज्यादा डिपेंड भी नहीं करवा सकते हो, क्योंकि इसका जो भी स्क्वायर है वो डिपेंड करेगा वेरिएबल्स के ऊपर। किसके ऊपर? वेरिएबल्स के ऊपर। अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो फोर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अगर आपके पास थ्री वेरिएबल्स है तो इसका एट स्क्वायर बनेगा, फोर है तो कितना बनेगा? सिक्सटीन बनेगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है टू दी पावर एन। एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये आपका मेन फॉर्मूला है। जैसे मान लो आपके पास एक्स और वाई दो वेरिएबल है, ठीक है, तो आप इसको काउंट कर लोगे, एक एक्स और एक वाई, तो दो हुआ ना, तो टू दी पावर टू लिखोगे, एन के प्लेस पे टू लिखोगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? फोर। फोर आया तो आपको कितना स्क्वायर बनाना है? फोर स्क्वायर्स बनाना। तो उसी तरह से एज यूजुअल हम लोग उसी तरह से लिखेंगे टू दी पावर थ्री, तो टू दी पावर थ्री है तो क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा इसका, तो कितना स्क्वायर्स बनेगा? एट स्क्वायर्स बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये इसका मेन पॉइंट हुआ। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो हम लोग इसमें ये लिखेंगे पहला पॉइंट, एसओपी रिडक्शन में इसका जो भी स्क्वायर होगा प्रत्येक स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा कौन सा टर्म्स को? मीन टर्म्स को, ठीक है। किसके लिए? टू दी पावर एन वेरिएबल के लिए। उसका जो भी फंक्शन होगा उसके लिए ये रिप्रेजेंट करेगा। पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इन इन एसओपी एसओपी रिडक्शन एसओपी रिडक्शन रिडक्शन ईच स्क्वायर ऑफ के मैप, ईच स्क्वायर ऑफ के मैप, के मैप का प्रत्येक स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स अ मीन टर्म। कौन सा टर्म को रिप्रेजेंट करेगा? मीन टर्म को। फोर फोर अ फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल। किसके लिए? एन वेरिएबल के फंक्शन के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देयर देयर वुड बी देयर वुड बी अ मैप ऑफ टू दी पावर एन स्क्वायर्स। क्या हो जाएगा? टू दी पावर एन स्क्वायर्स, टू दी पावर एन स्क्वायर्स। ये लाइन समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका जो भी स्क्वायर होगा प्रत्येक स्क्वायर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेन टर्म्स को। ईच स्क्वायर
ईच स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग अ मीन टर्म. कौन सा टर्म को रिप्रेजेंट करेगा? मीन टर्म्स को. क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है के मैप का जो भी स्क्वायर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कौन से टर्म्स को? मीन टर्म्स को. किसके लिए? एन वेरिएबल फंक्शन के लिए. और इसका फॉर्मूला क्या होगा? टू दी पावर एन स्क्वायर. ये आपको माइंड में रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है. फोर फोर एस ओ पी रिडक्शन. किसके लिए? एस ओ पी रिडक्शन के लिए. समझिएगा, इसमें इसका जो भी रिडक्शन होगा, जो भी स्क्वायर होगा, वो प्रत्येक स्क्वायर फिल किया जाएगा किसके द्वारा? वन के द्वारा. ईच स्क्वायर ऑफ के मैप, या फिर मैप आप ये लिख सकते हो, ईच स्क्वायर ऑफ मैप, सॉरी के मैप लिखो बेटर रहेगा. ठीक है. के मैप ईच फिलेड बाय वंस. किसके द्वारा फिल किया जाएगा? वंस के द्वारा. इसको वन समझिएगा और एस नीचे में लिखना है, वंस के द्वारा. ठीक है. जो रिप्रेजेंट करेगा या लीड करेगा आउटपुट क्या? वन. हुज स्क्वायर. ठीक है. आप ये इसमें देखोगे, ठीक है, कि ये क्या करेगा? लीड आउटपुट वन करेगा हुज. और जो मीन टर्म है, मीन टर्म टर्म्स लीड टू आ वन आउटपुट. क्या लीड करता है? एक आउटपुट लीड करता है. समझ में आ रहा है? ये इसका मेन पॉइंट है. ठीक है. इसको आपको सब बताया हुआ है कि एसओपी रिडक्शन का जो भी के मैप का स्क्वायर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मीन टर्म्स को. ठीक है. और एन वेरिएबल के लिए फंक्शन पे वो डिपेंड करेगा. इसका फॉर्मूला क्या होता है? टू दी पावर एन. ठीक है. इसका जो होगा एसओपी रिडक्शन के लिए, के मैप के प्रत्येक स्क्वायर फिल किया जाएगा किसके द्वारा? वन के द्वारा. जिसका मीन टर्म आउटपुट लीड करेगा क्या? वन. कितना लीड करेगा आउटपुट? वन लीड करेगा. ठीक है. हमेशा आउटपुट कितना लीड करेगा? वन लीड करेगा. चार तीन पॉइंट याद रखना है. ठीक है. जब भी आप वेरिएबल बना रहे हो, एसओपी किसको रिप्रेजेंट करता है? मीन टर्म्स को. क्लियर है पॉइंट? ठीक है. मीन टर्म्स को फॉर्मूला क्या होता है? टू दी पावर एन. ये याद रहेगा. इसके स्क्वायर को कितने से फिल करते हैं? वन से फिल करते हैं. ठीक है. और ये हमेशा आउटपुट क्या देता है? वन देता है. बस चार पॉइंट आपको याद रखना. क्लियर है? ये आपके एग्जाम्स में आता नहीं, ज्यादा से ज्यादा आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि मीन एसओपी किसको रिप्रेजेंट करता है. ऑप्शन में दिया रहेगा मीन टर्म, मैक्स टर्म, ठीक है, और भी कुछ, तो मीन टर्म्स में टिक करेंगे. एसओपी का फॉर्मूला स्क्वायर बनाने का, टू दी पावर एन. ठीक है. एसओपी के स्क्वायर को किससे फिल करते हैं? वन से फिल करते हैं. ये मीन टर्म हमेशा आउटपुट कितना देता है? वन देता है. ये आपको याद रखना. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे किस तरह से हम लोग बनाएंगे इसको. जैसे मान लो टू वेरिएबल मैप कंटेन कितना कंटेन करेगा बोलो? क्या हो जाएगा? टू दी पावर टू. तो क्या हो जाएगा? फोर स्क्वायर कंटेन करेगा. कितना स्क्वायर्स कंटेन करेगा? फोर स्क्वायर्स. मान लो थ्री वेरिएबल मैप कंटेन CON कंटेन टू दी पावर थ्री. तो क्या हो जाएगा? एट स्क्वायर्स हो जाएगा. कितना स्क्वायर्स? एट स्क्वायर्स हो जाएगा. ठीक है. फोर वेरिएबल मैप कंटेन टू दी पावर फोर. तो 16 स्क्वायर्स हो जाएगा. कितना स्क्वायर्स बनेगा? 16 स्क्वायर्स बनेगा. ठीक है. ये डॉट डॉट फाइव रहेगा, सिक्स रहेगा, आप बना लोगे. इस तरह से हम लोग को बनाते जाना है.
समझ में आ रहा है, ये पॉइंट क्लियर है, तो आप इसको इस तरह से बनाओगे। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। और भी हम लोग इसमें अब बहुत सारे शेप बनाएंगे। ये तो बनाने का तरीका हुआ कि हम लोग कितने स्क्वायर्स बनाएंगे, इसी पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करोगे, ठीक है। आप इसमें क्या देखोगे, ये लिखा हुआ है इन एसओपी रिडक्शन ईच स्क्वायर ऑफ के मैप। देखिएगा आप जब कॉपी में लिखोगे तो, अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहां से लिख सकते जो हम लोग रीड कर रहे हैं, जो हम रीड कर रहे हैं, इन एसओपी रिडक्शन ईच स्क्वायर ऑफ के मैप रिप्रेजेंट्स अ मीन टर्म फॉर अ फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स, फॉर अ फंक्शन एन वेरिएबल्स, एस यूज करोगे, एन वेरिएबल्स, देयर वुड बी अ मैप ऑफ टू दी पावर एन स्क्वायर्स, कॉमा ईच स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग अ मीन टर्म, प्रत्येक स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीन टर्म, फॉर एसओपी रिडक्शन ईच स्क्वायर ऑफ के मैप इज फिलेड बाय वंस हुज मीन टर्म्स लीड टू अ वन आउटपुट। क्लियर है, एग्जाम्पल लिखे, टू वेरिएबल मैप कंटेन्स, एस लगा दो, टू वेरिएबल मैप कंटेन्स टू दी पावर टू, तो कितना स्क्वायर बनेगा, फोर, थ्री वेरिएबल मैप कंटेन्स, एस यूज करोगे, टू दी पावर थ्री, मतलब एट स्क्वायर बनेगा, फोर वेरिएबल मैप कंटेन्स टू दी पावर फोर, मतलब कितना आ जाएगा, सिक्सटीन स्क्वायर्स। तो इस तरह से अगर फाइव दिया हुआ है, सिक्स दिया हुआ है, तो आप बना लोगे, इस पे डिपेंड करेगा टू दी पावर एन, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, टू दी पावर एन, इसका मतलब यही है ना, एन के प्लेस पे हम लोग वेरिएबल का संख्या पुट कर रहे हैं, जो भी नंबर दिया हुआ वेरिएबल का वो नंबर को पुट कर दे रहे, समझ में आ। अब इसी में देखोगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोग इसी में है, एग्जाम्पल में ही है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं अगला क्या हो जाएगा। इसी में लिखना है हम लोग को स्क्वायर, अब हम लोग किस तरह से डिजाइन करेंगे, ये आपको ऑटोमेटिकली स्क्वायर याद रखना होगा। अब तो हम लोग को रूल समझ में आ गया कि स्क्वायर किस तरह से बनेगा। तो आप देखोगे हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, टू वेरिएबल वेरिएबल के मैप, के मैप रिप्रेजेंटिंग मीन टर्म, मीन टर्म्स, ये आप देखोगे क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीन टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। टू वेरिएबल है तो दो वेरिएबल है तो इसका इस तरह से बनेगा ग्राफ, देखोगे कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल है तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ऐसे बनाना है आपको, ये माइंड में रखना है, ठीक है। और ये एक लाइन यहां पे दे दोगे आप, नीचे में ए लिख देना है, ऊपर में बी, आप एक्स वाई भी ले सकते हो, ठीक है, पी क्यू आर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो ए और बी ली, समझ में आ रहा है। आपने मैट्रिक्स पढ़ा है मैथ्स में, मैट्रिक्स में हम लोग ये फर्स्ट वाले इंडेक्स को जीरो बोलते हैं, ये जीरो हुआ और इसको वन, इसका काउंटिंग थोड़ा अलग होगा, ठीक है, ये भी आपका जीरो और ये वन, समझ में आ रहा है। बताओ एसओपी रिडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये मीन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, आपको मीन टर्म्स पढ़ाए थे, मीन टर्म्स में यहां पे ऊपर में बी है तो ये जो आपका है ऊपर वाले रो, इसको रो बोलेंगे, ये कॉलम हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये जो ऊपर वाले में रो में है वो बी है आपका, तो बी का वैल्यू क्या हुआ, जीरो, बी का वैल्यू क्या हुआ, जीरो, तो जिसका वैल्यू जीरो होगा उस पर नॉट, मतलब बी नॉट हो जाएगा, आप इसको जीरो भी लिख सकते हो, बी नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे बी का वैल्यू क्या होगा, वन, तो इस पे नॉट लगेगा क्या, नहीं, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है, जीरो, तो क्या हो जाएगा, ए नॉट, ए का वैल्यू क्या है, वन, तो ए, समझ में आ रहा है। ऊपर वाले वैल्यू ऊपर वाले वेरिएबल के लिए होगा, नीचे वाला वैल्यू नीचे वाले वेरिएबल के लिए होगा, ये माइंड में रहेगा। जो वेरिएबल का वैल्यू जीरो रहेगा उस पे नोट लगाना है और जिसका वन रहेगा उस पे नोट नहीं लगाना है। ऐसा क्यों,
क्योंकि ये मीन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। मीन टर्म में आपको रूल बताए थे कि जो वेरिएबल पे नोट लगा हुआ होता है उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, समझ में आ रहा है, और जिस पे नोट नहीं लगा हुआ रहता है उसका वैल्यू वन होता है। ठीक है, तो सेम हम लोग सेम रूल वहां से यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो तो इस बॉक्स को फिल करो तो ये क्या हो जाएगा बोलो, इसको हम लोग ए नोट बोल सकते हैं, यहां से देखो ए नोट और यहां से बी नोट, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट मीन टर्म्स निकालेगा, मीन टर्म्स में प्लस होगा कि मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्योंकि प्रोडक्ट निकालता है, तो ये इसी तरह से छोड़ देंगे। अब यहां से देखो ए नोट ऊपर से बी ले लेंगे तो बी, ठीक है, नीचे में देखो क्या हो जाएगा, ए बी नोट, यही ना होगा, ठीक है, यहां से ए बी देखोगे ए नोट बी नोट, ए नोट यहां से इसी रो में है ना, ए नोट बी, क्लियर है। अब नीचे में आ जाओ तो रो चेंज हुआ ना, तो ए बी नोट, कॉलम सेम कॉलम में ए बी, क्लियर है। अब देखो यहां पे इसका वैल्यू क्या है बताओ, ए नोट का वैल्यू क्या है, जीरो, तो लिख दो इसको, बी नोट का वैल्यू क्या है, जीरो, ए नोट का वैल्यू जीरो, बी नोट का वैल्यू, बी का वैल्यू वन। देखो सिंपल, आप यहां से लिख लो पहले, अगर यहां से नहीं पता वैल्यू तो आप यहां से वैल्यू ले लो, और पता है आपको कि ए नोट है तो आप अपने से लिख सकते हो, ए नोट है तो जीरो, बी नोट है तो जीरो, क्योंकि आपको पता है नोट का वैल्यू जीरो होता है, तो ऑटोमेटिकली फॉर एग्जाम्पल यहां पे ले लो, चलो ए है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, क्यों वन लिखे, क्योंकि ए पे नोट नहीं है, अगर नोट नहीं है तो सिंपल वेरिएबल है तो वन हो जाएगा, बी नोट है ना, बी नोट, तो बी नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि नोट लगा हुआ है, ठीक है, ए है तो ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू वन, वन वन क्यों लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि दोनों पे नोट नहीं है, दोनों में से किसी पर नोट नहीं था, दोनों का वैल्यू वन हो गया। अब आपको नंबरिंग करना होगा, देखो तो अगर आप देखो इधर रफ में समझिएगा, आप इस साइड में ये बाइनरी नंबर है कि नहीं, बाइनरी नंबर है, तो हम लोग पढ़े थे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज करते, फॉर एग्जाम्पल ये आपका बाइनरी नंबर है, ठीक है, इसका एक शॉर्ट तरीका बताए थे, ये आपका कौन सा नंबर है, बाइनरी नंबर है, सीख लीजिएगा आप लोग, इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है, तो आपको पता है ना बाइनरी नंबर का एक शॉर्ट तरीका बताए थे कि राइट साइड से काउंटिंग वन से स्टार्ट करेंगे, कितना से स्टार्ट करेंगे, वन से, वन, और इसका दोगुना करेंगे, डबल, वन का डबल टू, टू का डबल फोर, फोर का डबल एट, एट का डबल सिक्सटीन, आ रहा है समझ में, ठीक है, और जीरो वाले नंबर को काट देते हैं, ये तरीका है इसको, और वन वाले नंबर को ऐड कर देते, जैसे वन के जगह पे सोलह आया, प्लस एक और वन है दो आया, एक और वन, तो सोलह और दो अठारह और एक उन्नीस, इसका क्या नंबर आया, उन्नीस, तो क्या इस तरह से आप बदल सकते हो, इसका वन टू फोर राइट साइड से वन से स्टार्ट करना है और डबल करना है नंबर का, वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू, जीरो वाले को क्या करना है, काट देना है, क्रॉस कर देना है, खत्म हो गया वो, तो 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1 जो भी होगा वो डेसिमल नंबर होगा, इजी है ना कॉन्सेप्ट, तो उसी तरह से हम लोग इसको चेंज करेंगे और काउंट करेंगे नंबर को कि किस तरह से बनेगा। देखो ये 00 है ना, 00 1 2 क्लियर है, ये दोनों कटेगा ना क्योंकि 1 है ही नहीं 0 है, दोनों कट गया तो इसका रिजल्ट क्या आया, 0, तो इसको काउंट कर दो 0 से, समझ में आ रहा है। अब इसको देखो इसका क्या है, 0 1 तो क्या हो जाएगा, वन टू, जीरो वाला कट जाएगा तो क्या आया, वन, सिर्फ वन आया, ऐड तो नहीं होगा तो वन, तो इसका काउंटिंग क्या हो जाएगा, वन, समझ में आ रहा है। इसको देखो वन जीरो, तो वन टू, ये वन वाला कटेगा ना, जीरो वाला कट गया तो इसका रिजल्ट क्या आया, टू, सिर्फ टू आएगा। ये देखोगे वन वन, तो वन टू काउंट के इसमें कटेगा क्या, नहीं, ये दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना, क्या आ जाएगा, थ्री, तो इसको काउंट कर दो थ्री, समझ में आया। इस तरह से आपको स्क्वायर बनाना होगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो इसी तरह से हम लोग थ्री वेरिएबल्स का देखेंगे, थ्री वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटिंग मीन टर्म्स, मीन टर्म्स, थ्री वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटिंग मीन टर्म, ठीक है, मीन टर्म्स को हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो तीन वेरिएबल है तो आप देखोगे यहाँ पे इसका दो ग्राफ बताएंगे आपको, एक सिंगल बता रहे इस तरह से हम लोग बनाएंगे,
इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, ये बीच में लाइन और ड्रॉ कर दिए, पता है ना कितना बॉक्सेस बनेगा, 8 स्क्वायर्स बनेगा, 1 2 3 4 4 4 8 हो गया। अब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये लाइन दे दीजिए, ठीक है, ए और ऊपर में क्या हो गया बी सी, ऊपर दो के लिए। तो बोलोगे सर ये तो हॉरिजॉन्टल बनाए, अगर हम नीचे में लिखे ए बी और ऊपर में लिखे सी तो क्या होगा? हाँ आप लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, लेकिन ये भी बता रहे आपको, इसको समझो, फिर जो आप क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है क्वेश्चन वो भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखो ये ऊपर में दो वेरिएबल है, इसके लिए दो वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फर्स्ट 0 0 ले लेंगे, क्या ले लिए, 0 0 ले लिए। उसके बाद अब यहां पे क्या हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। सेकेंड, ऐसा क्यों, क्योंकि ये ग्रे कोड पे चलता है, ग्रे कोड में क्या होता है ये आप माइंड में रखोगे, ग्रे कोड समझिएगा, ग्रे कोड होता क्या है, ग्रे कोड डिफाइन कर देंगे, ठीक है, बता देंगे, सिंपल समझिए, ग्रे कोड एक कोड है जो क्या करता है, वो सक्सेसिव नंबर को दिखाता है, मतलब एक नंबर वन प्लेस को डिफर करता है, डिफर मींस चेंज करता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से देखो, आपने लिया 2 0, ठीक है, राइट साइड से वो डिफर करना स्टार्ट करेगा, पहले आपने 2 0 लिया, अब अगला नंबर जनरेट करना है तो पहले राइट वाले को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, राइट वाले को, RIGHT, राइट वाले को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो बताओ 0 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। तो देखो ये जैसे है वैसे लिखना है, इस नंबर को एज इट इज लिखना है, मतलब जस के तस, जैसे वैसे 0 0 लिख दिए, 0 को किस में चेंज करेंगे, 1 को, ये राइट वाला चेंज हो गया। अब ये चेंज होने के बाद लेफ्ट वाले को चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, लेफ्ट वाले को चेंज करेंगे, चेंज करेंगे, देखिएगा यहीं पे लेफ्ट में, तो ये तो चेंज हो चुका है, तो 0 का उल्टा 1 और इसका 1 है तो 1। अब बताओ इसमें दोनों चेंज हो गया, हुआ कि नहीं, अब दोनों चेंज हो गया तो फिर से आपको क्या लेना है, राइट वाले को लेना है, किसको लेना है, राइट वाले को, जब राइट चेंज होगा तब आगे बढ़ना है। तो देखो ये हो गया 0 और ये जस्ट के तस हुआ, इस तरह से नंबर को बढ़ाते जाते हैं ग्रे कोड को। तो सेम हम लोग इसी तरह से इसमें भी लिखेंगे, देखो ये 0 था, ये 0 था, ये भी 0 है, तो एक राइट वाले को चेंज करेंगे, राइट को चेंज किए तो 1 हुआ, और एज इट इज रख दिए इस नंबर को, लेफ्ट वाले को एज इट इज रखेंगे जैसे वैसा है। अब ये 1 चेंज हो गया राइट वाला, अब किसको चेंज करेंगे, लेफ्ट वाले को, देखो तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और ये तो है ही 1, अब दोनों चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया। अब हम लोग फिर से राइट वाले को चेंज करेंगे, लेफ्ट को सेम लिखिए, राइट में क्या है 1, तो 1 का उल्टा 0, इस तरह से। अब इसका नंबर लिख दो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, B0 C0, यही ना होगा ये, ठीक है, ऊपर में B0 C, ये हो जाएगा, ये BC और ये क्या हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि दोनों का वैल्यू 0 तो दोनों पे नोट, जिसका जिसका वैल्यू 0 उस पे नोट, ठीक है, जिसका वैल्यू 1 उस पे नोट नहीं लिखेंगे, वो सिंपल लिखा हुआ रहेगा, और इसका तो सिंगल काउंटिंग होगा 0 1, क्या हो जाएगा 0 1, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा A0 और ए, यही ना हो जाएगा। अब इस बॉक्सेस को हम लोग फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे, देखो यहां से 0 ले लो, यहां से क्या जाएगा, A0 जाएगा ना, A0 B0 C0, देखो A0 गया और ऊपर से 2, A0 B0 C0, अभी हम लोग सेम रो में है तो ये रो में, इस रो में सब में नोट लिखा जाएगा, तो फिर से A0 होगा कि नहीं, ऊपर से क्या लेंगे बताओ, B0 C, यही ना होगा जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें इस बॉक्सेस में लेंगे क्या, A0 सेम रो में है, B C, क्लियर है, यहां से देखो A0 B C0, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट रो में आ रहे हैं, देखो इस रो में देखिएगा, इस रो में क्या हो जाएगा A, और ऊपर से देखो किस कॉलम में है, B0 C0 कॉलम में, तो ऊपर से ले लेंगे B0 C0, क्लियर है, सेम रो में है तो A आएगा ना यहां से A, और यहां से B0 C, सिंपल A B C, यहां से A B C0, क्लियर है। अब आप देखोगे सिंपल, आप यहां से भी लिख सकते हो कि 0 0 जा रहा है, और आपको पता है कि जिस वेरिएबल पे नोट रहता है उसका वैल्यू 0, तो 0 0 0 क्यों लिखे, क्योंकि तीनों पे नोट है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट बिन ए नोट है तो ए का वैल्यू 0, B0 है तो B का वैल्यू 0, B0 का वैल्यू 0, C का वैल्यू क्या हो जाएगा
वन, क्योंकि सी पे नोट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ए नोट तो जीरो, बी बी है तो वन, जिस पे नोट नहीं है उसका वैल्यू वन, ठीक है। वन वन जीरो, सिंपल लिख रहे हैं, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, इसका क्या हो जाएगा वन वन वन, इसका क्या हो जाएगा वन वन जीरो। अब देखो तो आप, ये कौन सा नंबर हुआ, बाइनरी नंबर हुआ, कौन सा नंबर हुआ, बाइनरी नंबर। अब इस बाइनरी नंबर को हम लोग चेंज करेंगे डेसिमल नंबर में, तो एक आपको ट्रिक बताया हुआ था, ये रफ को समझिएगा। देखो फर्स्ट लाइन को समझिएगा, जीरो जीरो जीरो, थ्री जीरो है। आपको पता है शॉर्ट तरीका बताया था, अगर बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करना है तो राइट से काउंटिंग स्टार्ट करना है वन से, और नंबर का डबल करना है, तो वन वन का डबल, टू टू फोर, ये हो गया डबल कर दिए। जीरो वाले डिजिट्स जहां पे काउंटिंग में जीरो आ जाए उसको हम लोग काट देते हैं, तो ये सब कट जाएगा ना, तो इसका क्या हो गया जीरो हो गया। तो इस बॉक्स, इस स्क्वायर का क्या हुआ नंबर, जीरो, ठीक है। अब इसको देखोगे आप, जीरो जीरो वन, यही है ना, तो काउंटिंग करो, वन टू फोर डबल करना है, जीरो वाले क्या होते हैं कट जाते हैं, तो क्या आ गया रिजल्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसको काउंट करेंगे, जीरो वन वन, क्लियर है, ठीक है। वन टू फोर ये कट जाएगा ना, अब ये दोनों को क्या करना है, वन वाले को ऐड कर देना है दोनों को, तो टू और वन कितना हो गया थ्री हो गया, दोनों को ऐड कर दिए तो इसका काउंटिंग क्या हो जाएगा थ्री, ठीक है। इसमें आ जाओ, वन वन जीरो, वन टू फोर, ये कटेगा ना जीरो वाला कट गया, अब फोर और टू को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका सिक्स आ जाएगा ना, सिक्स, तो इसका काउंटिंग क्या हो गया, क्या हो गया सिक्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे यहां से इसका क्या हो जाएगा, बोलिए, अच्छा ये गलती हो गया है, यहां से ए नोट होगा ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो इसका नंबरिंग कितना आएगा टू आएगा, कितना आएगा टू, क्योंकि ए लिखा हुआ था तो ए का नंबरिंग गलत हो गया, ए मीन्स वन, ठीक है। और यहां पे हम लोग को क्या लिखना चाहिए था, नोट लिखना चाहिए था नोट, तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जीरो। तो अब आप निकालो, जीरो वन जीरो, तो वन टू फोर ये दोनों कटेगा ना, तो क्या आएगा वन, कितना आ जाएगा टू, तो इसका काउंटिंग टू, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें मिला लो ए बी नॉट सी नॉट, ठीक है ये करेक्ट है, तो वन जीरो जीरो, क्लियर है। अब काउंट करो, वन टू फोर ये कटेगा, दोनों जीरो वाले कट गए, तो क्या आया रिजल्ट फोर, तो इसका क्या आ जाएगा फोर, समझ में आ रहा है। इसको आप निकालो, ये देख लो ए बी नॉट सी, ये भी करेक्ट है, तो इसका वन जीरो वन, वन टू फोर, जीरो वाला कट जाएगा, क्या आ जाएगा फाइव, तो इसका काउंटिंग क्या हो गया फाइव, ठीक है। वन वन वन, ठीक है, वन टू फोर, एक भी कटेगा क्या, नहीं, सबको ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा सेवन, तो ये हो गया सेवन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा वन वन जीरो, वन टू फोर कटा, ये ऐड कर दो, कितना आ जाएगा सिक्स, तो सिक्स हम लोग लिख देंगे, समझ में आ रहा है। ये हम लोग का लॉजिक हुआ, ठीक है। इस तरह से मैपिंग बनाना होगा, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो ये आपको कुछ भी नहीं लिखना, ये काउंटिंग डायरेक्टली लिखना है, इसका कितना आया था वन आया था, समझ में आ रहा है। तो काउंटिंग आप जब बनाने लगोगे तो इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कि ये नंबर ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे नेक्स्ट, क्या आपने, आपके माइंड में ये लग रहा होगा कि सर आपने ये हॉरिजॉन्टल बनाया, क्या इसको हम लोग वर्टिकल कर सकते हैं, मीन्स वर्टिकल मीन्स क्या, कि जैसे ऊपर में हम लोग दो वेरिएबल लिखे बीसी, तो आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम लोग ए भी नहीं लिख सकते और ऊपर में लिख सकते, ये तो आ रहा होगा। तो इसको आप उस तरह से भी बना सकते हो, उस तरह से भी बना सकते हो, दूसरा तरीका, तो ये वर्टिकल बन जाएगा फिर इस तरह से, ऐसे भी आप मैपिंग बना सकते हो, आपका चॉइस है, आप किसी भी तरह से बना सकते हो, लेकिन हम जो प्रीफर करेंगे आपको ये बनाइएगा आप, बेटर होगा आपके लिए, इजी भी होगा, आप समझ लीजिए इसको किस तरह से आप बनाओगे। ये हो गया, कितना बनाना है, आठ बनाना है, तो आपको आठ बनाना होगा इस तरह से। नीचे में आपको दो लिखिए ए बी और सी, जीरो वन, एज यूजुअल फिल करेंगे हम लोग, जीरो 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 वन 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 जीरो, ठीक है। आप इसको फिल कर लोगे, कैसे लिखना है, ये हो गया सी नॉट, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, ये सी नॉट और ये सी, इसका क्या हो जाएगा ए नॉट बी नॉट, क्योंकि दोनों का वैल्यू जीरो है, ए नॉट बी, ठीक है, ए बी
दोनों का वैल्यू वन है इसलिए, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ए बी नॉट, क्लियर है कॉन्सेप्ट। एज यूजल जैसे हम लोग इसमें फिल किए हैं इस बॉक्सेस को, स्क्वायर्स को, वैसे आप इसको फिल करना है आपको, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हम लोग देखे थ्री वेरिएबल्स का रिप्रेजेंटेशन, एक और आपको बताएंगे फोर वेरिएबल का। अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फोर वेरिएबल का, ठीक है। देखोगे फोर वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटिंग मीन टर्म्स, ठीक है। आप इसको देखोगे फोर वेरिएबल्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फोर वेरिएबल है तो कितना स्क्वायर्स बनेगा, 16, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है टू दी पावर एन। एन रिप्रेजेंट करता है क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, ठीक है। तो टू दी पावर फोर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। तो आप देखोगे किस तरह से आप बनाओगे, ये आपका हो गया फोर वेरिएबल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, 16 स्क्वायर आप बना लीजिए, चार बना, ये चार, 16 हो गया, ठीक है। आपको इसमें तो दो दो बटा हुआ है आपका ए बी और सी डी, इसमें तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं, हमेशा आप इसी तरह से बनाओगे, ठीक है। तो आप किस तरह से लिखोगे, जैसे थ्री में लिख रहे थे इसको क्या, 0 0, ठीक है, ये 0 1, ये 1 1, ये क्या हो जाएगा 1 0, क्लियर है। सेम एज यूजुअल हम लोग इसमें भी लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0, क्लियर है। अगर हम लोग इसको देखें तो क्या हो जाएगा, दोनों का 0 है ना, तो सी नॉट डी नॉट, ठीक है। इसमें सी नॉट डी, डी का वैल्यू 1 है इसलिए डी, इसमें क्या लिखेंगे सी डी, दोनों का वैल्यू 1 1 है इसलिए सी डी, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे सी डी नॉट, क्लियर है। नेक्स्ट देखोगे इसमें ए नॉट बी नॉट, ठीक है, ए नॉट बी, ए बी, ए बी नॉट, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आप इसमें देखोगे जब फिल करोगे आप, तो यहां से क्या सेम रो में है ना हम लोग अभी, तो सेम रो में है तो सब में ए नॉट बी नॉट होगा, ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी नॉट, ऊपर से क्या लेंगे सी नॉट बी नॉट, ठीक है। यहां से फिर से ले लो ए नॉट बी नॉट, सी नॉट डी नॉट, आ रहा है समझ में, अगर आप मैट्रिक्स पढ़े होंगे, ठीक है, मैथ्स में, तो आपको सारा समझ में आना चाहिए कि हम लोग कहां से ले रहे हैं, रो और कॉलम, बस इसी पे ध्यान देना है, ठीक है। ए ए नॉट बी नॉट सी डी, ठीक है, ए नॉट बी नॉट सी डी नॉट, क्लियर है, सही लिखा हुआ है सब, आप मैच कर लोगे देखो, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड रो में आए, सेकेंड रो में क्या है ए नॉट बी, ऊपर से सी नॉट डी नॉट, ठीक है। नेक्स्ट ए नॉट बी, सी नॉट डी नॉट, ए नॉट बी सी डी, यहां से ए नॉट बी सी डी नॉट, क्लियर है। नेक्स्ट ए बी सी नॉट डी नॉट, यहां से ए बी सी नॉट डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी नॉट, ठीक है। नेक्स्ट यहां से ए बी नॉट सी नॉट डी नॉट, ठीक है, सी ए बी, ए बी नॉट सी नॉट डी नॉट, ठीक है, ए बी नॉट सी डी, नेक्स्ट ए बी नॉट सी डी डी नॉट, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इस नंबर को क्या करेंगे, जिस पे नोट है उसका वैल्यू 0 है आपको पता है, तो पहले इसका बाइनरी नंबर लिख लीजिए आप, 0 0 0 0, ए नॉट तो 0, बी नॉट तो 0, सी नॉट तो 0, डी तो 1, जिस पे नोट नहीं उसका वैल्यू 1, ठीक है। ए नॉट 0, बी नॉट 0, सी है तो
जीरो होगा क्या? नहीं, क्योंकि इस पे नोट नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? वन। बी है तो वन, ठीक है। इसका बोलिए आप लोग क्या हो जाएगा? जीरो। ए नोट है तो जीरो, बी नोट है तो जीरो, सी है तो वन, डी नोट है तो जीरो। क्लियर है? नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा? जीरो, ए नोट है तो, बी है तो वन, सी नोट है तो वन या जीरो, जीरो क्योंकि नोट है, और इसका क्या? जीरो, डी नोट है तो, ए नोट है तो जीरो, वन जीरो वन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? जीरो वन वन वन। नेक्स्ट जीरो वन वन जीरो, ठीक है। नेक्स्ट वन वन जीरो जीरो, वन वन जीरो वन, क्लियर। वन 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 वन, ठीक है। वन वन जीरो, सॉरी वन वन वन, तीनों पे नोट नहीं तो वन वन, डी नोट है तो जीरो, ठीक है। नेक्स्ट वन जीरो जीरो जीरो, क्योंकि नोट है, सारे पे नोट है, तो ए पे नोट नहीं तो वन, और बाकी बी पे नोट है, सी पे नोट है, डी पे नोट है, तो ट्रिपल जीरो होगा। वन जीरो जीरो वन, इसका क्या हो जाएगा? वन जीरो वन वन, इसका वन जीरो वन जीरो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब इस नंबर को जैसे हम लोग थर्ड वेरिएबल, थ्री वेरिएबल्स का बनाए थे, उसमें ये बाइनरी नंबर था, उसको हम लोग किसमें चेंज कर रहे थे? किसमें चेंज कर रहे थे? डेसिमल में। तो एज यूजुअल हम लोग चेंज करेंगे इसमें भी, सेम वैसा ही शॉर्ट में बताएंगे, आप खुद से चेंज करोगे, ठीक है। वन टू फोर एट, ठीक है, ये सब कट जाएगा ना, क्योंकि सबका वैल्यू जीरो है, तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो यहां पे जीरो लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा? जीरो 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 वन। राइट से काउंटिंग वन से स्टार्ट करेंगे, नंबर का डबल करेंगे, वन का डबल टू, टू का डबल फोर, फोर का डबल एट, जीरो वाले को काट देना है, वन वाले को छोड़ देना है, तो वन आ गया। इसका क्या लिखेंगे? जीरो जीरो वन वन, वन टू फोर एट, जीरो वाला कट गया, यहाँ पे दो वन आया, तो ये दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना। टू और वन कितना हो गया? थ्री, दोनों को ऐड कर दें, टू प्लस वन तो थ्री हो गया आपका। नेक्स्ट इसका क्या हो गया? जीरो जीरो वन जीरो, वन टू फोर एट, ये कटा ये भी कटा, क्या आया? टू। ये आप कर लोगे, इसका कितना आया? वन आया। इसका कितना आया? थ्री आया। इसका कितना आया? टू आया। ऐसे आपको चेंज करना है। अगर इसका देखे तो कितना आएगा? फोर। इसका कितना आएगा? फाइव। इसका कितना आएगा? सेवन। इसका कितना आएगा? सिक्स, ठीक है। इसका आप देखोगे ये कितना आएगा, बोलो, वन टू फोर एट, ये दोनों कटा, तो आठ और चार बारह, ट्वेल्व आएगा। इसका कितना आएगा? थर्टीन। इसका कितना आएगा? फिफ्टीन, जब सॉल्व करोगे तो। इसका कितना आएगा? फोर्टीन, क्लियर। ये आपका कितना आएगा? नाइन। नाइन आएगा या फिर एट आएगा, क्या आएगा? वन टू फोर एट, एट आएगा ना, तो इसका कितना हो गया? एट, ठीक है। ये नाइन, ये इलेवन, ये टेन, क्लियर। तो आपको इस तरह से बनाना होगा, सारे का नंबरिंग किया हुआ है, ठीक है। आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे। एक आपको बताए थे ग्रे कोड, ग्रे कोड क्या होता है ये आप लिख लोगे, ग्रे कोड, ग्रे कोड, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहे हैं, ग्रे कोड एक बाइनरी नंबर होता है, जैसे जो एक प्लेस को डिफर करता है, जैसे जीरो जीरो है, तो सबसे पहले राइट प्लेस को डिफर करेगा, राइट वाले प्लेस को डिफर करेगा, ठीक है। डिफर मीन्स चेंज करेगा, क्या करेगा? चेंज। तो आप देखोगे इसका अगर ग्रे कोड लिखो तो राइट वाले को चेंज करो, तो ये जीरो है तो जीरो का उल्टा वन, और एज इट इज रहेगा ये नंबर, जैसे वैसा ही लिख देना। अब राइट चेंज हो गया तो हम लोग लेफ्ट वाले को चेंज करेंगे, लेफ्ट वाले को चेंज करेंगे, तो अगला चेंजिंग होगा, तो ये वन, जीरो है तो वन, और अगला तो वन है ही तो वन। अब ये दोनों चेंज हो गए, दोनों चेंज हुआ, अगला नंबर फिर चाहिए आपको, तो फिर आप राइट वाले को चेंज करो, पहले राइट वाले को चेंज करो, तो राइट वाले को चेंज करेंगे तो इसका जीरो, और ये सेम रहेगा, एज इट इज नंबर रहेगा, तो ये हो गया वन। आगे चेंज करना है तो ऐसा ही करना है। मीन्स हम लोग ये कौन सा नंबर है देखो, तो ये एक बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर है या नहीं? बाइनरी नंबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? ग्रे कोड इज अ बाइनरी नंबर। इसमें क्या होता है, जो भी सक्सेसिव नंबर होता है उसका वन प्लेस को ये डिफर करता है, कितने प्लेस को? वन प्लेस को, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा, सिंपल लिखेंगे, ग्रे कोड, ग्रे कोड इज अ बाइनरी, बाइनरी नंबर, नंबर in which सक्सेसिव नंबर
सक्सेसिव नंबर डिफर्स मीन चेंज डिफर्स ओनली फॉर वन प्लेस, कितने प्लेस को डिफर करेगा, वन प्लेस को ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा। क्लियर है? अगर आप एग्जांपल में देखना चाहो तो क्या हो जाएगा, सेम दिखा दे रहे, ये जीरो जीरो हो जाएगा, आगे चेंज करेंगे तो राइट को पहले चेंज करना है तो इसका उल्टा क्या वन और ये एडिटिज रहेगा, उसके बाद फिर चेंज करना है तो लेफ्ट वाले को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन वन। अब हो गया दोनों चेंजिंग, तो आगे आपको चेंज करना है फिर से राइट को चेंज करेंगे तो जीरो और ये एडिटिज रहेगा वन एक्सेट्रा, ऐसा ही लिखते जाना है। ये हुआ आपका ग्रे कोड का, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहां तक आपको क्लियर करना है। अब हम लोग मैपिंग स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से के मैप को रिप्रेजेंट किया जाता है। समझिएगा, अभी तक जितना भी इंट्रोडक्शन दिए हैं एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं आपके एग्जाम्स में, ये सब कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आने वाला है अगर आप ये नहीं जानोगे तो आपका अगला क्वेश्चन बनेगा ही नहीं जो 4 मार्क्स में आता है। तो सबसे पहले जो अगला लेक्चर हम लोग देखेंगे इसको पहले क्लियर करना है, लेक्चर नंबर 14, क्योंकि ये आपका मेन पॉइंट है, यहीं से आपका 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो अगला वीडियो समझ में आएगा, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो अगला वीडियो नहीं आएगा आपको समझ में। तो आपको इस पे ध्यान देना है, जब भी आप लेक्चर नंबर 15 देखिएगा तो पहले ये 14 को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही 15 देखिएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर करना है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, ठीक, थैंक यू।